आज के इस व्लॉग में आप सबका खैर मकदम है, जो कि स्वीडन में जॉब्स के हवाले से है और स्वीडन का जो इदारा है वर्क एनवायरनमेंट एजेंसी आर्बिट्समिल्योवर्कत, उसने जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट जॉब्स के हवाले से जारी की है उसके मुताबिक ये है कि पिछले साल 2023 में स्वीडन में फॉरेन वर्कर्स के आने की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने मुवाजना किया है जो 2022 का साल था, उनका कहना है कि 2022 के मुकाबले में 2023 में 4000 लोग जो है वो स्वीडन में ज़्यादा आए हैं और कुल तादाद जो 2023 में स्वीडन में फॉरेन वर्कर्स की जो स्वीडन के बाहर से आए हैं उनकी तादाद जो है वो 74,000 है, यानी 74,000 लोग जो हैं वो स्वीडन के बाहर से सिर्फ काम के लिए जो है वो स्वीडन में आए हैं। और इनमें जो सबसे बड़ी तादाद है इन लोगों की, तकरीबन निसफ तादाद वो तामीराती शोबे में यानी कंस्ट्रक्शन के शोबे में जो है वो काम के लिए आई है। अगरचे कंस्ट्रक्शन के शोबे में अब जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसमें जो है वो जॉब्स कम हो रही हैं। साथ ही जो दूसरी बड़ी तादाद है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, यानी जो सन्नतें हैं जिसमें फर्नीचर की इंडस्ट्री है, जो इलेक्ट्रिकल से मुतलका है और जो दूसरी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिसमें चीज़ें बनती हैं वो लोग आए हैं। और एक बड़ी तादाद जो है वो स्वीडन के शमाल में जहाँ पे बहुत सी फैक्ट्रीज लग रही हैं वहाँ में आए हैं, जिसमें चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद वर्कर्स की जो है वो पिछले साल यहाँ पे आई है। अब ये जो सूरत हाल है जो यहाँ का जो इदारा है जॉब्स के हवाले से आर्बिट्समिल्योवर्कत, जो कि इस चीज़ का जायज़ा लेता है कि वर्कर्स जो हैं वो अपने काम पे उनकी क्या सूरत हाल है, उन्होंने जो अदाद व शुमार बताए हैं कि 74,000 लोग जो हैं वो पिछले साल 2023 में स्वीडन में काम के लिए आए हैं और जो उन्होंने इंडस्ट्रीज़ बताई हैं, अगर इसका हम जायज़ा लें हमारे लोग जो जनूबी एशिया से इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से आते हैं वो शायद उनके लिए इनमें जॉब करना हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि ये सारी स्किल्ड लेबर है। यहाँ पे अगर किसी ने जूते मरम्मत करने का भी काम करना है या किसी ने अगर बाल भी काटने तो उसके पास भी एक सर्टिफिकेट होता है। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जितने भी जो है वो फॉरेन वर्कर्स आए हैं उनके पास एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और तजर्बा और सर्टिफिकेट होगा, तब जाके उनको जॉब जो है वो मिला होगा। बदकिस्मती से जो है वो जनूबी एशिया से खुसूसन पाकिस्तान से जो लोग हैं जो वर्कर्स आते हैं उनके पास इस तरह की एजुकेशन नहीं होती, उनके पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, कोई उनके पास उस तरह का तजर्बा नहीं है कि वो यहाँ पे आके इस इंडस्ट्री में इन जॉब्स में आके जो है वो कोशिश कर सकें, मुकाबला कर सकें। हमारे बहुत से लोग जो आते हैं वो कहते हैं जी हमें काम चाहिए, जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या काम करेंगे वो कहते हैं जी कोई भी काम हो मैं कर लूँगा। कोई भी काम से मुराद यह है कि उनके पास कोई महारत नहीं है, कोई उनके पास स्किल नहीं है, कोई उनके पास किसी ख़ास शोबे में काम नहीं है, वो काम करना चाहते हैं जिसमें कोई महारत की ज़रूरत ना हो, तो वो फिर ज़ाहिर जनरल लेबर का काम आ जाता है और लेबर के काम जो है वो आपको पता है यहाँ पर जो सूरत हाल आप उनको जानते ही हैं। बहरहाल ये जनाब आर्बिट्समिल्योवर्कत की जो रिपोर्ट है ताज़ा तरीन जिसमें उन्होंने 2023 का जायज़ा लिया वो मैंने आपके सामने पेश की है, और इसकी रोशनी में जो लोग स्वीडन में इस वक्त यहाँ पे हैं या मुस्तकबिल में काम करना चाहते हैं उनको जो है वो इस चीज़ को देख लेना चाहिए कि अगर वो जॉब्स हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें अपने आप को किस तरह से जो है वो तालीम और तजर्बे के लिहाज से तैयार करना है। मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग भी बहुत से लोगों के लिए जो है वो मालूमाती होगा, और हमेशा की तरह आपकी राय का जो है वो मैं इंतज़ार करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए।